आसान बन जाएगा। एक मिनट भाई साहब को सवाल क्या है, अच्छा वरना एक गिरफ्तारी तो एक हुआ है और बहुत कुछ होना है यहाँ। ये तो अरे मेरे से वो सब मत पूछिए, आसाम देख के आइए फिर आप रोने लग जाए। आप मैं बोला ना ये सब भाषा आपका है, मैं तो ये बोलता हूँ कि जब टांग टूटने का बात करता हाथ से मत करो, कानून से टांग तोड़ो। अब कानून से भी टांग तोड़ा जा सकता है, अगर बुद्धिमान लोग मुख्यमंत्री बनेगा ना तो कानून से टांग तोड़ेगा। तो आप इसमें मेरा साथ बहस मत कीजिए, मैं आपको एक कंडक्ट से तोड़ लेके जाऊंगा असम में, आप आके रोएगा। डेली मंदिर खत्म हो रहा है, डेली हमारे हिंदू लड़कियां को उठा के लेके जाते हैं। वो सिचुएशन वो नहीं है यहाँ, वो यहाँ इसको लगेगा पॉलिटिकल बहस है। 20 साल तक अगर आप भी जिंदा रहे हम भी जिंदा रहे, आप देखिए एक डिस्ट्रिक्ट का कहानी 4 जिला में होगा, 4 जिला का कहानी 5 जिला में होगा। ये मॉब लिंचिंग ये लेफ्टिज्म का भाषा है, उसमें मेरा रुचि नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि कानून से भी लोगों का टांग तोड़ा जा सकता है। हाँ एक मिनट भाई साहब को सवाल क्या है, अच्छा वरना एक गिरफ्तारी तो एक हुआ है और बहुत कुछ होना है यहाँ। ये तो अरे मेरे से वो सब मत पूछिए, आसाम देख के आइए फिर आप रोने लग जाए। आप मैं बोला ना ये सब भाषा आपका है, मैं तो ये बोलता हूँ कि जब टांग टूटने का बात करता हाथ से मत करो, कानून से टांग तोड़ो। अब कानून से भी टांग तोड़ा जा सकता है, अगर बुद्धिमान लोग मुख्यमंत्री बनेगा ना तो कानून से टांग तोड़ेगा। तो आप इसमें मेरा साथ बहस मत कीजिए, मैं आपको एक कंडक्ट से तोड़ लेके जाऊंगा असम में, आप आके रोएगा। डेली मंदिर खत्म हो रहा है, डेली हमारे हिंदू लड़कियां को उठा के लेके जाते हैं। वो सिचुएशन वो नहीं है यहाँ, वो यहाँ इसको लगेगा पॉलिटिकल बहस है। 20 साल तक अगर आप भी जिंदा रहे हम भी जिंदा रहे, आप देखिए एक डिस्ट्रिक्ट का कहानी 4 जिला में होगा, 4 जिला का कहानी 5 जिला में होगा। ये मॉब लिंचिंग ये लेफ्टिज्म का भाषा है, उसमें मेरा रुचि नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि कानून से भी लोगों का टांग तोड़ा जा सकता है। आप पूछिएगा कि आप पूछ लीजिए फिर बाद में आप। हाँ करना ही पड़ेगा ना, माना क्या है, हमारा देश का विभाजन ही हिंदू मुसलमान में हुआ है और हिंदू मुसलमान का बीच में बहुत सारा इश्यूज अभी भी सेटल में नहीं हुआ है, तो उसमें माना क्या है। और बहुत ज्यादा खतरा में है, बहुत ज्यादा खतरा में हमारा पास, हमारा कृष्ण हमारा सबसे बड़ा भगवान है, उनका जन्मभूमि में आज शाही ईदगाह बना हुआ है, उससे आपको क्या खतरा का चाहिए। पूरा देश में लापरवाह डेली बढ़ रहा है, हिंदू आज देश में खतरा में नहीं है, बड़ी खतरा में है। अगर मोदी जी नहीं आते तो क्या हाल होते थे पता नहीं था। थोड़ा अभी हम लोग सुरक्षित है असम में, गुजरात में, आप लोगों को भी सुरक्षित होना चाहिए। हमारा प्रदेश में आलम का घर में इतना रुपया मिलना संभव ही नहीं होते थे, अभी तो हम आलम का पास इतना रुपया जाने ही नहीं देता हूँ। हम भी अभी 40 साल का बाद हमारा अकल आया, अभी हम कम से कम आलम का घर में इतना रुपया जाने नहीं दूंगा। अरे मेरे से वो सब मत पूछिए, आसाम देख के आइए फिर आप रोने लग जाए। आप मैं बोला ना ये सब भाषा आपका है, मैं तो ये बोलता हूँ कि जब टांग टूटने का बात करता हाथ से मत करो, कानून से टांग तोड़ो। अब कानून से भी टांग तोड़ा जा सकता है, अगर बुद्धिमान लोग मुख्यमंत्री बनेगा ना तो कानून से टांग तोड़ेगा। तो आप इसमें मेरा साथ बहस मत कीजिए, मैं आपको एक कंडक्ट से तोड़ लेके जाऊंगा असम में, आप आके रोएगा। डेली मंदिर खत्म हो रहा है, डेली हमारे हिंदू लड़कियां को उठा के लेके जाते हैं।
वो सिचुएशन वो नहीं है। यहाँ वो यहाँ इसको लगेगा पॉलिटिकल बहस है। 20 साल तक अगर आप भी जिंदा रहे, हम भी जिंदा रहे, आप देखिए एक डिस्ट्रिक्ट का कहानी 4 जिला में होगा, 4 जिला का कहानी 5 जिला में होगा। ये मॉब लिंचिंग, ऑफ लिंचिंग, ये लेफ्टिज्म का भाषा है, उसमें मेरा रुचि नहीं है। मैं ये जानता हूं कि कानून से भी लोगों का टांग तोड़ा जा सकता है। आप एक आप पूछिएगा कि आप पूछ लीजिए फिर बाद में आप। हाँ करना ही पड़ेगा ना, मना क्या है? हमारा देश का विभाजन ही हिंदू मुसलमान में हुआ है, और हिंदू मुसलमान का बीच में बहुत सारा इश्यूज अभी भी सेटल में नहीं हुआ है, तो उसमें मना क्या है? और बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा में। हमारे पास हमारा कृष्ण हमारा सबसे बड़ा भगवान है, उनका जन्मभूमि में आज शहीद का बना हुआ है, उससे आपको क्या खतरा का सही है? पूरा देश में लाभजहा डेली बढ़ रहा है। हिंदू आज देश में खतरा में नहीं है, बड़ी खतरा में है। अगर मोदी जी नहीं आते तो क्या हाल होते थे पता नहीं था। थोड़ा अभी हम लोग सुरक्षित है असम में, गुजरात में, आप लोगों को भी सुरक्षित होना चाहिए। हमारा हमारा प्रदेश में आलम का घर में इतना रुपया मिलना संभव ही नहीं होते थे। अभी तो हम आलम का पास इतना रुपया जाने ही नहीं देता हूँ। हम भी अभी 26 साल का बाद हमारा अक्ल आया, अभी हम कम से कम आलम का घर में इतना रुपया जाने नहीं दूंगा। हमारा देश को राम मंदिर मिला, देश गर्वित हुए, देश का बहुत बड़ा एक संख्यक लोगों को लगता है कि औरंगजेब का समय में, बाबर का समय में हमारा साथ जो नाइंसाफी हुआ, आज वो नाइंसाफी बहुत दूर तक रामलाला का मंदिर ने वो नाइंसाफी को मिनिमाइज किया। लेकिन वहां समाप्त नहीं होते हैं। कांग्रेस का समय में हमारे मंदिरों का एक अधिनियम बनाया, पार्लियामेंट में एक बिल बनाया, एक कानून बनाया कि राम मंदिर का बारे में तो सरसा कोर्ट में हो सकता है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और काशी का ज्ञानवापी मस्जिद का बारे में कोई भी कोर्ट सरसा नहीं कर सकता है। इन्हें हुए कांग्रेस का समय में ऐसा कानून बनाया गया कि नो सिविल कोर्ट, नो हाई कोर्ट, नो सुप्रीम कोर्ट कैन एडजुडिकेट ऑन द ओनरशिप ऑफ कृष्ण जन्मभूमि एंड ज्ञानवापी, सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद। क्या हमें ऐसा कानून को मंजूरी है? जो कानून हमारे भगवान का जन्मभूमि में भी हमें मंदिर बनाने अनुमति नहीं देते हैं। हमारा देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत है। आज राहुल बाबा एक संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, लाल किताब में वो संविधान है, लेकिन भारत का जो संविधान है, जो ओरिजिनल संविधान है, हर पन्ने में राम और कृष्ण का फोटो है। लेकिन आज हमारे राहुल बाबा का जो संविधान है, जो मीडिया में दिखाते हैं, लाल है। हमारा संविधान कभी लाल नहीं था और लाल हो ही नहीं सकता है। साइना का जो संविधान है वो रेड कलर का हो सकता है, हमारा संविधान का कलर रेड नहीं है। इसलिए हमें हमारा देश को कोई रिवॉल्यूशन से नहीं बनाया, हमने हमारा देश को सिविलाइजेशन से बनाया है। हमारा देश का विकास, हमारा देश का आविर्भाव कोई रिवॉल्यूशन से नहीं हुआ है। हमारा देश का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बौद्ध से लेकर, महावीर जैन से लेकर, वेद पुराण उपनिषद से आज हम यहाँ तक पहुंचा हूं। हम राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आप जो संविधान दिखाता है वो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है कि नहीं? अगर है तो आप क्यों बोला है कि मैं पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करने जाऊंगा? आपने क्यों अपना घोषणा पत्र में बोला कि कांग्रेस विल स्ट्रेंथन पर्सनल लॉस? किसलिए? हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा देश में पर्सनल लॉ हो ही नहीं सकता है।
हमारा देश में सरिया का कानून हो ही नहीं सकता है, हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कानून लागू होगा, यह संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए जब कांग्रेस बोलते हैं कि हमें 700 सीट से ऊपर चाहिए संविधान बदलने के लिए, हम उल्टा बोलता हूं, हमें संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें 700 सीट चाहिए। जम्मू कश्मीर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा है, पूरी की पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, और वो जम्मू कश्मीर को पूरा की पूरा भारत में लाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो संविधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 700 पार सीट चाहिए। कारण में नहीं लड़ रहा होगा, ये तो नड्डा जी को नड्डा जी को पूछना पड़ेगा। बहन सुनिए, बीजेपी कश्मीर में कैंडिडेट नहीं लिया और बीजेपी ने ये प्रूफ कर दिया कि कश्मीर में हमें राजनीति करना नहीं है। अगर हमें राजनीति करना तो हमें कैंडिडेट देते थे, हम कश्मीर का भला चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमने निर्णय लिया, ठीक है अभी कश्मीर में चुनाव ऐसे ही होने दीजिए, 3% वोट भी बढ़ाए, अगर आप साथ हैं अगली बार हम लोग लड़ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज राहुल बाबा एक संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, लाल किताब में वो संविधान है, लेकिन भारत का जो संविधान है, जो ओरिजिनल संविधान है, हर पन्ने में राम और कृष्ण का फोटो है, लेकिन आज हमारे राहुल बाबा का जो संविधान है, जो मीडिया में दिखाते हैं, लाल है। हमारा संविधान कभी लाल नहीं था और लाल हो ही नहीं सकता है। साइना का जो संविधान है वो रेड कलर का हो सकता है, हमारा संविधान का कलर रेड नहीं है। इसलिए हमें हमारा देश को कोई रिवॉल्यूशन से नहीं बनाया, हमने हमारा देश को सिविलाइजेशन से बनाया है। हमारा देश का विकास, हमारा देश का आविर्भाव कोई रिवॉल्यूशन से नहीं हुआ है, हमारा देश का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बौद्ध से लेकर महावीर जैन से लेकर वेद पुराण उपनिषद से आज हम यहाँ तक पहुंचा हूं। हम राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आप जो संविधान दिखाता है वो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है कि नहीं? अगर है तो आप क्यों बोला है कि मैं पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करने जाऊंगा? आपने क्यों अपना घोषणा पत्र में बोला कि कांग्रेस विल स्ट्रेंथन पर्सनल लॉस? किसलिए? हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा देश में पर्सनल लॉ हो ही नहीं सकता है, हमारा देश में सरिया का कानून हो ही नहीं सकता है, हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कानून लागू होगा, यह संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए जब कांग्रेस बोलते हैं कि हमें 700 सीट से ऊपर चाहिए संविधान बदलने के लिए, हम उल्टा बोलता हूं, हमें संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें 700 सीट चाहिए। जम्मू कश्मीर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा है, पूरी की पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, और वो जम्मू कश्मीर को पूरा की पूरा भारत में लाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो संविधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 700 पार सीट चाहिए।